इस बार जो बीजेपी का 370 का नारा है हेमा जी, और एनडीए का 400 का, आपको पूरी उम्मीद है हो जाएगा? पूरी उम्मीद है, 100%। पीपल लव आवर प्राइम मिनिस्टर लाइक एनीथिंग, द होल कंट्री। विपक्ष के लोग जो भी बोलते हैं वो बेचारे बोलेंगे, उनको बोलना काम है, दैट इज देयर जॉब, दे विल से इट। बट द एक्चुअल असलियत यही है कि पीपल आर सो मच क्रेजी, सो मच फॉन्ड ऑफ मोदी जी, बिकॉज ही सेल्फलेसली ही इज डूइंग सो मच वर्क, सो मच डेवलपमेंट ही इज ब्रिंगिंग टू दिस कंट्री विच वाज नेवर हर्ड बिफोर। अब 400 के लिए साउथ से सीट्स लाना पड़ेगा, ये तो आपने भी देखा होगा, और आप तमिलनाडु में पैदा हुई थी, साउथ में आपकी बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, साउथ में इस बार? ऑफ कोर्स मैं एनीवे बोलिए, हाँ, तो साउथ में आपको लगता है तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, तेलंगाना में? यस यस, एवरीवेयर, वेयर एवर यू गो यू सी द फैन फॉलोइंग ऑफ मोदी जी, हाउ मच क्रेजी दे आर बिकॉज ऑफ हिज वर्क, वर्क ओनली विल स्पीक। आप सिर्फ अपने आप को ये इसमें, एंड देन इतना सिंसियरिटी के साथ, देर इज नो भ्रष्टाचार एनीवेयर, इज अ वेरी क्लीन इमेज ही हैज, एंड ही इज डूइंग सच वंडरफुल वर्क फॉर ऑल सेक्शन ऑफ पीपल इन ऑल फील्ड एवरीवेयर। पर साउथ में बीजेपी, साउथ में भी सब लोग चाहते हैं, बहुत प्यार करते अभी हैं, तक लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अभी तक नहीं था, बिकॉज उनके बारे में एक अलग इमेज कर दिया गया था ना वहाँ के साउथ के लोगों ने, बट दैट इज ऑल कम्प्लीटली ब्रोकन नाउ, दे अंडरस्टैंड, दे रियलाइज वॉट इज द रियलिटी। सो इंडिया अलायंस आपको लगता है चैलेंज नहीं कर पाएगा एनडीए को? ना, नहीं करेगा ना। और आपके लोकसभा में भी नहीं कर पाएगा? नहीं नहीं। काफी कॉन्फिडेंट लग रही है, कॉन्फिडेंट के साथ ही बोलेंगे ना, ऑफकोर्स।